इधर दे। मुझे ये बता, तुझे मेरा और तेरे पापा का रिश्ता कैसा लगता है? बहुत अच्छा। जानती है, हमारी कुंडलियां बिल्कुल नहीं मिलती। दिल बहलाने के लिए मत बोलो। नहीं, सच, तेरी कसम, मेरी और तेरे पापा की कुंडलियां बिल्कुल नहीं मिलती। पर जब अम्मा जी ने मुझे देखा तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि रिश्ता अच्छी कुंडली से नहीं, अच्छी लड़की से होना चाहिए। माँ जी, दाल साफ कर दी है हम। ठीक है, रख दो। और हाँ रमा, लिस्ट बना लेना रसोई में क्या क्या घट रहा है। लोचन ला देगी। जी माँ जी। माँ जी, मैं आपकी कुछ मदद करूं? तुम्हें वाकई कुछ समझ में नहीं आता या तुम बेशरम? 1000 बार बोला है तुम्हें, नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। हमारे बीच में दखल मत दो। चाहे जो कुछ भी हो जाए, तुझे हार नहीं माननी है नव्या। अनंत के पास जा, उसे जरूरत है तेरी। गुड मॉर्निंग। अब हुई तुम्हारी मॉर्निंग? मॉर्निंग हुए 4 घंटे हो गए। तुम मिलने क्यों नहीं आई मुझसे? मेरे पास क्यों नहीं बैठी? इसीलिए नहीं आई, इसीलिए। मैं तुम्हारे सामने होती तो तुम मुझसे बातें करते रहते, बिल्कुल आराम। आओ नव्या, आओ। बाबा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पता था कि तुम जरूर आओगी, और ये भी कि बात क्या करनी है। कल जो हुआ उसके बाद पूरे परिवार का तुम्हारे विरुद्ध हो जाना स्वाभाविक ही है। कल कुछ भी हो सकता था। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम समय पर पहुंच गए और अनंत को बचाने के लिए हमें आग की लपटों का सामना करना पड़ा। भाभी, आप अकेले काम कर रही है, मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? नहीं। हेलो। हेलो, शंकर दयाल जी से बात हो सकती है? जी जी। आप? गुरुजी बोल रहे हैं। शंकर दयाल जी का मोबाइल नहीं लग रहा था, इसलिए घर पे फोन किया। हेलो हेलो। जी जी गुरुजी। आप कौन? मैं नव्या। खैर, एक जरूरी बात हमें शंकर दयाल वाजपेयी जी से करनी थी, ताकि कुछ सावधानियां बरती जा सके। वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ बेटा। 2-3 दिन अनंत से दूर रहना तो उसके लिए अच्छा होगा। क्यों गुरुजी? वो क्या है कि कुंडली का सर्वाधिक प्रभाव जन्मदिन के ऊपर होता है, क्योंकि फिर से सारे ग्रह एक साथ मिलते हैं। और 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन भी है।